कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में FYP सेमेस्टर 1 या तो सेमेस्टर 2 में आप सभी बच्चों का जो AC का पेपर यानी कि एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, उनसे आपको इंग्लिश पढ़ना है। और इंग्लिश में देखिए, आप सभी बच्चों को पेपर में एक टॉपिक है जिसका नाम है हमारा कम्युनिकेशन। ठीक है, टॉपिक में दिया हुआ आप सभी बच्चों को थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, तब ना आप कम्युनिकेशन के थ्योरीज पढ़िएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि कम्युनिकेशन यानी कि संचार क्या होता है, किस प्रकार आप इसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन या फिर डिफाइन कम्युनिकेशन, तो आप इसे अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। ये तमाम बातें आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको आज का हमारा ये सेशन पसंद है तो सेशन को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जहां आप हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। इसके बाद किसी प्रकार अपडेट आएगा वहां पर आपको शेयर किया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट कम्युनिकेशन यानी कि संचार क्या है, तो देखिए यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन स्टाइल चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है यानी उसका रूप ढंग रेखा जो होता है वो पर्सन टू पर्सन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति क्या होता है बदल सकता है। जैसे लिखा हुआ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान अ पर्सन में इन्वॉक सेवरल चैनल्स और मोड्स और मेथड्स टू कन्वे मैसेज, यानी एक पर्सन होता कह सकते हैं जब कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है एक व्यक्ति क्या करता है बहुत सारे चैनल्स को हैंडल कर सकता है मोड्स के थ्रू या मेथड्स के थ्रू अपने मैसेज को कैसे लोगों तक पहुंचा सकता है। बाय द प्रोसेस ऑफ बट द प्रोसेस कम्युनिकेशन डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द सोर्स प्रोड्यूसिंग और लेइंग इन्फॉर्मेशन, बट कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो डिपेंड नहीं करता किसी किससे जो सोर्स हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है या फिर कह सकते जो हम इन्फॉर्मेशन उस पर डिपेंड नहीं करता। अब अगर सिंपल भाषा अगर हमारे पास बोला जाए तो कम्युनिकेशन मतलब क्या है, हमारे विचारों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का जरिया या कह सकते हैं एक व्यक्ति दूसरे हमारे जो विचार पहुंचते हैं यही क्या कहलाता है कम्युनिकेशन कहलाता है। इस लिखा हुआ है इट आल्सो इक्वली डिपेंड्स ऑन द कम्युनिकेशन मेथड एंड द मैनर इन विच द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज, यानी ये सबसे डिपेंड करता है किस पर, कम्युनिकेशन मेथड डिपेंड करता है साथ ही साथ वो मैनर पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार जो रिसीवर यानी सुनने वाला जो लोग होता है उस मैसेज समझ पाएगा या नहीं पाएगा। लेटेस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द मेथड बाय विच वी कम्युनिकेट, ये सबसे पहले चलिए हम लोग कम्युनिकेशन इमेज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए एक हमारे पास क्या है सेंडर है, यानी ये हमारे पास क्या है एक व्यक्ति है। व्यक्ति क्या है यहां पर किसके बारे में बात कर रहा है, यहां पर पिज्जा के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, पिज्जा में कुछ बातचीत हो रहा होगा, ये इसको किसको बातचीत कर रहा है, ये रिसीवर यानी किसी को बोल रहा है अपने दोस्त को, चलिए मान रहा है। किसके बारे में बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है हमारे किस पर पिज्जा के बारे में, तो यहां पर दोस्त को पिज्जा के बारे में बोला जाएगा, यानी वो अपने विचार क्या कर रहा है अपने दोस्त तक पहुंचा रहा है, तो दोस्त तक विचार पहुंचाएगा तो दोस्त अपनी बात भी रखेगा हाँ पिज्जा अच्छा है खराब हो रहा है, तो उसको क्या बदले में दे रहा है फीडबैक दे रहा है कि हाँ इस प्रकार होना चाहिए थे वो। तो हमारे पास पिज्जा क्या कर रहा है एक मैसेज के रूप में काम कर रहा है या तो कह सकते मीडियम के रूप में काम कर रहा है कि हम अपने विचारों को इसके रूप में रख सकते हैं। तो ये पूरा इमेज के थ्रू आप समझने की कोशिश करिएगा कि कम्युनिकेशन मतलब ही होता है अपने विचारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इसके लिए आपको माध्यम की आवश्यकता होती है यानी कि मीडियम की आवश्यकता होती है, जिससे आपने सुना होगा साउंड, साउंड को एक जगह दूसरी जगह मीडियम की आवश्यकता होती है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो गैसोलीन, कम से कम मीडियम चाहिए। इसी तरह हमारे अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पहुंचाने के लिए हमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए। जिस प्रकार का किसी को बात करना है तो कोई टॉपिक चाहिए, बिना टॉपिक आप क्या किसी से बात करिएगा। इसी प्रकार कम्युनिकेशन हमारा प्रोसेस होता है। अब यहां से देखिए हमारे पास क्या है, बात करें कम्युनिकेशन बिगिन एट अ गिवन पॉइंट, कम्युनिकेशन क्या होता है किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हो सकता है। द फर्स्ट स्टेप इज टू द जनरेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, पहला स्टेप क्या करता है जो इन्फॉर्मेशन जो रहता है हमारे पास उसे वो जनरेट करने के रूप में काम करता है। सेकेंड जनरेशन जो रहता है हमारे पास उस चीज को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं या फिर कह सकते हैं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पहुंचाने काम करता है हमारे पास। तो तीन सिंपल डेफिनेशन आपको यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन समझने चाहिए। पहला क्या है कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन क्या है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का क्या है हमारे पास एक जरिया है। फिर कम्युनिकेशन इज द गिविंग एंड रिसीविंग, कम्युनिकेशन बेसिकली हमारे पास क्या है मैसेजों का या फिर कह सकते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान करने का क्या होता है जरिया होता है। और फिर कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसे क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति क्या कह सकते हैं एक व्यक्ति से अनेकों व्यक्ति तक पहुंचाने का क्या होता है हमारे पास कम्युनिकेशन जरिया होता है। तो ये सबसे छोटे छोटे डेफिनेशन जो अगर आपको पेपर दो नंबर पूछा जाएगा तो आप इसे अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हैं। अब देखिए अगर आपके पेपर में सिर्फ व्हाट इज कम्युनिकेशन पूछता है तो आप उसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन द डेफिनेशन या फिर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन तो भाई आपको इसे बड़ा कर लिखना पड़ेगा। इसलिए इसे समझने की कोशिश करिएगा कि बड़ा किस प्रकार कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन कैन ब्रॉडली बी डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कम्युनिकेशन को अगर हम ब्रॉडली यानी कह सकते हैं विस्तारपूर्वक समझने की कोशिश करें तो ये हमारे आइडियाज का क्या एक्सचेंज है यानी आदान प्रदान है, मैसेजों का आदान प्रदान है और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में क्या करता है एक मीडियम के रूप में काम करता है जिसके थ्रू लोग अपने विचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचता है।
इन अ मैनर दैट द सेंडर एंड द रिसीवर, यानी जो सेंडर रिसीवर है दोनों एक दूसरे के मैसेज को क्या करें समझ पाए, वरना क्या फायदा होगा बताइए आप लोग। तो दैट इज यहाँ पर हमारे पास डेवलप कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर मैसेज, यानी उस मैसेज से आपको एक लगभग अनुमान लगना चाहिए कि हाँ इन्होंने ये बोला था। इस प्रकार हम लोग कम्युनिकेशन का अगर एक्सप्लेनेशन आता था फिर लिख सकते हैं। अगला बोला गया कि द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेट, यानी जो कम्युनिकेशन वर्ड बेसिकली वो एक लैटिन वर्ड इसका नाम है कम्युनिकेट, उससे इसका क्या हुआ है सॉरी कम्युनिकेट उससे इसका क्या हुआ जन्म हुआ है, विच मीन्स टू इसका मतलब होता है शेयर करना, इम्पार्ट करना, पार्टिसिपेट करना या फिर ट्रांसमिट करना, एक कोई विचारधारा को कोई कॉमन विचारधारा एक जगह दूसरे पहुंचाना। इट इम्फेसिस ऑन शेयरिंग कॉमन इन्फॉर्मेशन, ये बेसिकली किस पर डिपेंड करता है कॉमन इन्फॉर्मेशन पे, आइडियाज पे, मैसेज पे। इट इज नॉट मेयरली इशूइंग ऑर्डर्स, एंड इस पर कोई ऑर्डर ऑर्डर थोड़ी भाई या कोई इंस्ट्रक्शन जारी होता है कि इस प्रकार करना, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होता। तो हमारे पास देखिए अब यहाँ से एक सवाल पूछा जाएगा, कुछ कुछ देखिए स्टेटमेंट पूछे जाते हैं कि जैसे कोई कोई आदमी थ्योरी देके चला गया, जैसे आपको मालूम होगा सेल थ्योरी किसने दिया स्लाइडर स्वान ने। तो इसी प्रकार हमारे पर देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन में कौन कौन से लोगों ने क्या क्या थ्योरी दिया, आइए हम लोग यहाँ पर आप जानने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला ही हमारे पास यहाँ बताया हुआ है कि कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडर टू रिसीवर विद द इन्फॉर्मेशन बींग अंडरस्टूड बाय द, या फिर कह सकते हैं बाय द रिसीवर। यानी कम्युनिकेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन का क्या ट्रांसफर है सेंडर से रिसीवर की तरफ, और उसमें क्या रहता है एक ऐसा इन्फॉर्मेशन जो रिसीवर समझ सके। और ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया, कुंस एंड वेरिज के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। अगला स्टेटमेंट है कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ डेवलपिंग एंड अटेंडिंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल, यानी कम्युनिकेशन क्या है एक आर्ट है डेवलपिंग करने का, और कह सकते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग को क्या करें दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग करवाने का। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन एंड फीलिंग्स, ये क्या है इन्फॉर्मेशन और फीलिंग्स का शेयर करने का जरिया है बिटवीन टू एंड मोर पीपल, बहुत ज्यादा एक या दो से ज्यादा लोगों के बीच में हो सकता है। और ये जो स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है टेरी एंड फ्रैंकलिन के द्वारा ये स्टेटमेंट बेसिकली दिया गया है। फिर अगला है यहाँ पर कम्युनिकेशन हमारे पास इज द प्रोसेस या फिर कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हाट ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर, इट इज अ ब्रिज ऑफ मीनिंग, यानी कह सकते हैं सब भाषा में ये एक ब्रिज के रूप में पुल के रूप में काम करता है कि लोगों विचारधारा को जोड़ने के रूप में काम करता है। इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेलिंग लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, और ये कथन किसके द्वारा दिया गया एलन लुइस के द्वारा दिया गया कथन है। यानी इसमें क्या क्या होता है अगर हम ऐसे भेज के हो सिस्टमेटिक भेजेंगे एक कंटिन्यूस प्रोसेस में मैंने कोशिश करेंगे अपनी विचारधारा को अपने विचार को ये तमाम चीज सिखाने की कोशिश करते हैं। ये किसका स्टेटमेंट है तो एलन लुइस के द्वारा ही दिया गया स्टेटमेंट है। फिर अगला है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच पीपल अटेम्प्ट टू शेयर मीनिंग वाया द ट्रांसमिशन ऑफ सिम्बॉलिक मैसेज, यानी कहा जाए तो कम्युनिकेशन बेसिकली क्या एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो लोग हैं हमारे ठीक है वो क्या करते हैं मैसेज को क्या करते हैं शेयर करने की कोशिश करते हैं सिंबॉलिक रूप में, यानी कह सकते हैं चिन्हों का इस्तेमाल करके भी लोग आप समझा सकते हैं। और ये कथन किसके द्वारा दिया गया स्टॉनर एंड वेंकल के द्वारा ये दिया गया स्टेटमेंट है। तो आज हमने समझ लिया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या अलग है, व्हाट इज कम्युनिकेशन पूछेगा तो दोनों में लिख सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेन कम्युनिकेशन पूछेगा तो आप इसे अपने हिसाब से बड़ा चढ़ा कर लिख दीजिए जितना हो सकेगा। तो फिलहाल आशा करूँगा कि आपको आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें कमी मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।